हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के नए 3 फोन्स के बारे में, जिनका नाम है ओप्पो रेनो, ओप्पो रेनो प्रो और ओप्पो रेनो लाइट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको तीनों भी फोन्स के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में डिटेल में पता चले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओप्पो रेनो के बारे में। तो वो एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर मिलेगा, ड्यूल कैमरा सेटअप रहेगा और ये फ़ोन पॉपअप मैकेनिज्म के साथ आने वाला है, जिसमें आपको कैमरा अलाइनमेंट इस बार ओप्पो ने चेंज किया है। तो दोस्तों, कैमरा परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन का काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ओप्पो ये कैमरा सेंट्रिक कंपनी है, तो कोई शक नहीं कि कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो दोस्तों, हमें इसमें 4x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, सुपर स्लो मोशन भी रहेगा और काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी ओप्पो इंट्रोड्यूस करेगा आपको इस डिवाइस के साथ। बात करें हमारे सेकंड डिवाइस के बारे में, तो वो है ओप्पो रेनो प्रो। तो दोस्तों, ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होने वाला है, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलेगा और ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। और हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और हमें इसमें 4x के बजाय 10x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। साथ ही में सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट हमें इसमें भी देखने को मिलेगा और इसकी कैमरा क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और वो भी 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। तो इसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 सेंसर मिलेगा दोस्तों, जो कि एक काफ़ी बेहतर कैमरा है। और साथ ही में हमें फ्रंट सेल्फी भी देखने को मिलेगी, जो कि पॉपअप मैकेनिज्म के साथ आने वाली है, वो भी सेम अलाइनमेंट में। तो बात करते हैं हमारे ओप्पो रेनो लाइट के बारे में। तो इसमें हमें मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये भी एक मिड रेंज लेवल का फ़ोन होने वाला है दोस्तों। और इसमें भी हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एज इट इज़, जैसा हमें ओप्पो रेनो में देखने को मिला था, पर थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी में दोनों में माइनर डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। तो ओवरऑल देखें तो तीनों भी फ़ोन्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, कैमरा परफॉर्मेंस तो इनकी काफ़ी बढ़िया होने वाली है दोस्तों। और प्रोसेसर की बात करें तो वो तीनों में भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो बात करें इनकी प्राइस की, तो दोस्तों ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो लाइट 16 से 17,000 के प्राइस में लॉन्च होने के पूरे चांसेस है दोस्तों। बात करें ओप्पो रेनो प्रो के बारे में, तो वो एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होने वाला है, तो वो 40 से 45,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इंटरनेशनली तो ये तीनों भी फोन्स लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि इंडिया में कब आते हैं, पर इंटरनेशनली लॉन्च होने के कारण ये इंडिया में भी जल्द ही आएंगे और हमें इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस और अपडेट्स आपके लिए लाते रहे। और दोस्तों, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन से वीडियोज़ चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा।